नीम हमारे देश के गांवों का दवाखाना है, हॉस्पिटल। नीम हमारे गांवों का दवाखाना है। नीम का नियमित सेवन हमें हजारों रोगों से बचाता है। ऐसी क्षमता है इसके अंदर, इतनी कैपेसिटी है इसमें कि ये हजारों रोगों से हमें बचाता है। नीम को एंटीबैक्टीरियल पेड़ पौधों में गिना जाता है। नीम कैंसर सहित बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, बहुत सारी बीमारियों को रोकने में सक्षम है। नीम के एक पत्ते में 150 से ज्यादा रासायनिक रूप या प्रबंध हैं। इसीलिए नव संवत्सर के शुभ अवसर पर मैं नीम के पेड़ के नीचे हूं और आपको नीम के बहुत सारे औषधि उपयोग बताना चाहता हूं। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा में नीम को सर्व रोग निवारिणी के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है सभी बीमारियों का इलाज करता। ये ध्यान रखिए, मैं ये बात बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि आगे मैं ऐसी चीज बताना चाह रहा हूं आपको कि जो लोगों ने इसके बारे में भ्रांतियां फैलाई है और ये एलोपैथी का जो मकड़जाल है किस तरह से हमें अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति से दूर कर रहा है, किस तरह से परंपरागत चिकित्सा पद्धति से दूर कर रहा है अपने व्यापार के लिए, अपनी कमाई के लिए, ये आपको पता चलेगा। नीम के अंदर वो क्षमता है जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए इसको सर्वरोग निवारिणी यानी सभी रोगों का इलाज करता माना जाता है। इसके अलावा नीम को एक और नाम दिया गया है, अरिष्ठा, जिसका मतलब होता है बीमारियों से राहत देने वाला। इसकी जड़ों से लेकर के तने तक और फूल से लेकर के फल तक का उपयोग विभिन्न दवाइयों को बनाने में किया जाता है। वास्तव में पारंपरिक दवा में कुछ विशेषज्ञ इस पौधे को पेड़ फार्मेसी कहते हैं। नीम के पाउडर में कार्बनिक और फायदेमंद यौगिकों की एक अनूठी संरचना होती है, इसलिए इससे बने उत्पाद हर्बल उपायों में बहुत लोकप्रिय हैं। नीम के चाय और गार्निश से स्किन के नमक और हर्बल सप्लीमेंट्स तक इसे भारतीय संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण और बहुमुखी पौधों में से एक माना जाता है। नीम के फायदे इतने हैं कि आप कई सारी बीमारियों के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। नीम, जिसे चमत्कारिक जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है, इसका हर हिस्सा औषधीय उपचार में काम आता है। नीम खून को साफ करता है और शरीर से किसी भी जहरीले तत्व को बाहर निकालने में मदद करता है। नीम में फंगस, वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की अद्भुत क्षमता होती है। यह अपने एंटी कैंसर गुणों के लिए जाना जाता है, जो आज कैंसर, हर 8-10 घर में एक कोई न कोई कैंसर का पेशेंट मिलता है, क्योंकि हमने नीम के महत्व को जाना नहीं, नीम को सही ढंग से समझा नहीं, नीम का सही ढंग से उपचार शुरू नहीं किया। और सरकारों ने भी कभी भी जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। वो खुद भी एलोपैथी के मकड़जाल में फंसी हुई है। यह एकमात्र पेड़ ऐसा है जिसके हर हिस्से का इस्तेमाल औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसकी छाल, इसके पत्ते और बीज के चमत्कारिक फायदे आयुर्वेद में बताए गए हैं। कई बार जड़, फूल और फल का भी उपयोग किया जाता है। नीम के पत्तों का उपयोग कुष्ठ रोग के लिए किया जाता है। इसके इस्तेमाल से नेत्र विकार, आंखों की दृष्टि का विकार, नेत्र विकार, नक्सीर, नाक से खून बहना, आंतों के कीड़े, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं उनके, पेट की खराबी, भूख न लगना,
स्किन का अल्सर, हृदय और रक्त वाहिकाओं के रोग, बुखार, डायबिटीज, मसूड़ों की बीमारी और जिगर के रोग भी ठीक हो जाते हैं इस नीम से। इसके अलावा भी नीम की छाल का इस्तेमाल मलेरिया, पेट और आंतों के अल्सर, स्किन रोग, दर्द और बुखार को ठीक करने में किया जाता है। नीम एक ऐसे रसायन की खान है जो ब्लड शुगर, आपका डायबिटीज के लेवल को कम करने, पाचन तंत्र में अल्सर को ठीक करने, बैक्टीरिया को मारने और मुंह में प्लाक के निर्माण को रोकने में मदद कर सकते हैं। इसलिए पुराने लोग कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि लोगों का की प्यास बुझाने के लिए 100 कुएं खुदवाओ, उससे अधिक पुण्य एक नीम के पेड़ को बड़ा करने में होता है। नीम का इससे आप महत्व समझ जाइए। आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। मैं नव संवत्सर पर आपको इसीलिए नीम के पेड़ के नीचे लाया हूं कि ताकि आप नीम के महत्व को समझ सकें, और नव संवत्सर की शुरुआत नीम के पत्ते चबा करके करें। चैत्र माह में लाखों लोग नीम का पानी पीते हैं, नीम पीते हैं। नीम के पत्तों को उबाल करके या नीम के पत्तों को बांट करके या मिक्सर में पीस करके और उसका पानी में उसको छान करके और वो नीम का पानी पीते हैं। इसको गर्म नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, लेकिन नीम की सही तासीर, नीम पेट में ठंडक करता है। और बहुत सारे लोग इस तरह का मिथ फैला रहे हैं, इस तरह की गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं कि नीम का ज्यादा उपयोग करने से आंखों की रोशनी चली जाती है। कितना विरोधाभास है। मैं कह रहा हूं कि नेत्र के विकार ठीक होते हैं और वो कह रहे हैं आंखों की रोशनी ही चली जाती है। इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण भ्रम फैलाने का काम और कुछ नहीं हो सकता। ये उन लोगों का महापाप का काम है जो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि नीम के कारण आंखों की रोशनी चली जाती है। यदि ऐसा होता तो जो लाखों लोग प्रतिवर्ष हर साल गर्मी के दिनों में नीम का पानी पीते हैं, नीम पीते हैं, वे सभी अंधे हो जाते। तो इस तरह की भ्रांतियों में आप ना पड़े। मैंने पहले भी नीम के जब प्रयोग बताए तो कई लोगों के मैसेज है कि नीम का ज्यादा उपयोग करने से, नीम के पत्ते ज्यादा चबाने से आंखों की रोशनी चली जाती है। अरे भाई, मैंने अभी अभी एक वीडियो डाला है कि आप कड़वे नीम की 5 पत्तियां, मीठे नीम यानी कड़ी पत्तों की 5 पत्तियां और 5 तुलसी के पत्ते रोज सवेरे सवेरे खाली पेट चटनी बना करके चाट जाइए तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी, डायबिटीज खत्म हो जाएगी, जड़मूल से खत्म हो जाएगी, और दूसरा आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा। और लाखों लोग इस बात को फॉलो कर रहे हैं और उनको लाभ हो रहा है, और वो दूसरे लोग गलतफहमियां पैदा कर रहे हैं कि नीम खाने से या नीम की पत्तियां ज्यादा उपयोग करने से आंखों की रोशनी चली जाती है, जबकि नीम नेत्र विकार को ठीक करता है, पेट में ठंडक पहुंचाता है, गर्मी के दिनों में लू नहीं लगती। तो ऐसे लोग अपनी आदतों से बाज आएं और नीम का सही ढंग से उपयोग करें स्वास्थ्य के लिए। जल जाने पर, यदि आप कहीं जल गए हैं, गैस पे काम करते करते जल गए हैं, तो एकदम से नीम का पेस्ट बना करके, नीम के पत्तों को बांट करके और उसके ऊपर जले हुए पे लगाइए, आपको आराम मिल जाएगा। कान में आपका दर्द है तो नीम का तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम के पत्ते कीटनाशक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग अनाज में या कपड़ों के बीच में रख करके भी कर सकते हैं ताकि आपके कपड़े खराब नहीं हो, अनाज खराब नहीं हो। नीम के तेल का दिया जलाने से मच्छर भाग जाते हैं और डेंगू मलेरिया से बचाव में मदद करता है। नीम के पत्तों और बेर के पत्तों को पानी में उबालें और फिर ठंडा करके इससे बाल धुलने से बालों का गिरना भी बंद हो जाता है और इससे बाल काले और मजबूत भी होते हैं। बोलिए, आपको फालतू की डाई करने की जरूरत ही नहीं।
बिच्छू के काटने पर नीम के पत्ते मसल करके या पीस करके काटे गए स्थान पर लगाने से जलन कम हो जाती है और जहर का असर खत्म हो जाता है। नीम के तेल में थोड़ी मात्रा में कपूर मिला करके फोड़ा फुंसी में इस्तेमाल करने से राहत मिलती है। और जिन लोगों को चर्म रोग हो रहा है, जिन लोगों को जगह जगह आप देखिएगा हजारों लोग, मतलब हमने जब चर्म रोग के बारे में डाला तो लाखों लोगों का जो है मैसेज आना शुरू हुआ, और जो नीम का हमने पेस्ट बताया आज हजारों लोग उनका उपयोग कर रहे हैं और वो स्वस्थ हो रहे हैं। आपको किसी भी प्रकार का चर्म रोग है, बहुत सारे लोगों का चर्म रोग जो है वो ठीक हो रहा है नीम के पत्तों का पेस्ट बना करके लगाने से। नीम के पत्ते आप एक डाली रोज लीजिए, प्रार्थना करिए नीम को कि वो आपको स्वस्थ करे, और नीम के उसको मिक्सर में पीस करके मेहंदी की तरह पेस्ट बना लीजिए, और जहाँ जहाँ पर भी आपको लाल लाल चकते हो रहे हैं, स्किन खराब हो रही है, वहाँ वहाँ पर उसको लगाइए, लगा करके एक घंटा रखिए। एक घंटे के बाद में गर्म पानी में काला नमक डाल करके उसको साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में जो हमने बताया है कि 200 ml ऑलिव ऑयल में 30 ml रोजमेरी एसेंशियल ऑयल मिला करके और वो तेल का लगाना है। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है तब भी वो तेल लगाइए, उससे आपको राहत मिलेगी और आपकी स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसी तरह से नीम के तेल में जो है कपूर मिला करके फोड़े फुंसी का पर इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की 20 पत्तियां एक कप पानी में उनको पीस करके और पीने से हैजा ठीक हो जाता है। नीम की छाल जला करके जो भस्म निकले उसे तुलसी के रस के साथ में लगाने से त्वचा के दाग और चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसी तरह से नीम की पत्तियां चबाने से खून साफ होता है, स्किन चमकदार होती है। नीम पाउडर में दोगुना मात्रा में सेंधा नमक मिला करके मंजन करने से पायरिया ठीक हो जाता है, मुंह की दुर्गंध दूर हो जाती है। यदि आपको कहीं चोट लग गई, आपके शरीर में सूजन आ गई तो नीम का लेप कर दीजिए। नीम को बांट करके या नीम को पीस करके, नीम की पत्तियों को पीस करके उसका लेप कर दीजिए। यदि आपको चर्म रोग हो गया है, किसी भी प्रकार का गंभीर से गंभीर चर्म रोग है, तो नीम की पत्तियों का मिक्सर में पीस करके या बांट करके और उसका लेप कर दीजिए, वो ठीक हो जाएगा। हर प्रकार का चर्म रोग इससे ठीक होता है। नीम की पत्तियों के सेवन से हमारा जो बीपी की प्रॉब्लम है, हमारी जो शुगर की प्रॉब्लम है, वो खत्म होती है। मैंने एक वीडियो में जिसको 21 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा है और लाखों लोग नियमित रूप से सवेरे सवेरे तीन तरह की पत्तियों का सेवन कर रहे हैं, 5 कड़वे नीम के पत्ते, 5 मीठे नीम के पत्ते जिसको कड़ी पत्ते बोलते हैं उनका सेवन, और 5 तुलसी के पत्ते, ये तीनों पत्तियों को बांट करके और सवेरे सवेरे उसका खाली पेट सेवन करने से आपकी बीपी और डायबिटीज़ दोनों में लाभ मिलता है। बीपी कंट्रोल होती है और डायबिटीज़ खत्म होती है। आप देखिए नीम में तो नेचुरल इंसुलिन है, कड़ी पत्तों में नेचुरल इंसुलिन है, आपकी बॉडी को इंसुलिन की ज़रूरत की पूर्ति कर देता है। वो टेबलेट वगैरह, दवाई वगैरह या अलग से इंसुलिन के इंजेक्शन लगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये नव संवत्सर पर हम नीम के पत्तों का सेवन शुरू करें। सवेरे सवेरे खाली पेट नव संवत्सर के दिन हमें नियमित, मतलब जो है थोड़ा सा कड़वा है ना, ये इसमें भी एक सीख है, इसका भी एक दर्शन है, इसका भी एक विज्ञान है कि हमें कड़वी चीज़ को पीना चाहिए, है ना। वैसे भी खाने में जो सभी तरह के रस होने चाहिए, कड़वा, कसेला, मीठा, हर प्रकार का जो रस बताया गया है, 6 प्रकार के रस बताए गए हैं, 6 ही प्रकार के रस जो है वो भोजन के अंदर होने चाहिए। ये तो हमारा औषधि है, औषधि पेड़ है। और कहा भी है नीम, एक नीम के पेड़ को बड़ा करना। पुराने लोग कहते हैं कि लोगों की प्यास बुझाने के लिए आप 100 कुएं खुदवाओ और उससे जो पुण्य मिलता है, एक नीम का पेड़ बड़ा करने से उतना पुण्य मिलता है। तो नीम का कितना महत्व है और
हम अपने बुजुर्गों की बात को, हम अपने परंपरागत संस्कारों की बात को विस्मृत करते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं। खैर, आप नए साल में और चैत्र माह में नीम का भरपूर प्रयोग करिए। पेट में ठंडक करता है ये, आंखों की रोशनी खत्म नहीं करता, आंखों की रोशनी अच्छी करता है। पेट यदि आपका साफ रहेगा, आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, तो आपसे आपको कितना स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, आपके चर्म रोग दूर करेगा। ये नीम का, पुराने लोग नीम का दातुन करते थे और उनके दांत कितने मजबूत रहते थे, वो 100 साल की उम्र में भी मजबूत दांतों से गन्ना चूस सकते थे, इतने मजबूत दांत रहते थे। और आजकल जो है छोटे छोटे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको डेंटल क्लिनिक में जाना पड़ता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम नीम के महत्व को समझें। नया साल है, नए साल के अंदर अपनी जो 5 नीम की पत्तियां ज़रूर चबाएं, साथ में ये खाने के बाद में थोड़ी सी मिश्री भी खाएं, ताकि आपका नया साल अच्छा रहे। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।